बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बनाऊँगी चिकन बिरयानी। आधा किलो चिकन, दो अदद मीडियम साइज़ के प्याज और चार अदद टमाटर, चार अदद हरी मिर्च, दो खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप दही, एक खाने का चम्मच इमली। सबसे पहले हम टमाटर ले लेंगे, इसमें हम हरी मिर्च और दही ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे, टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। एक कप ऑयल लेंगे और इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है, अब हम इसमें शान बिरयानी मसाला चार खाने के चम्मच ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा स्पाइसी रखने के लिए, क्योंकि बिरयानी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खाना पकाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि बर्तन को साइड से स्पैचुला की मदद से साफ़ करें, ताकि ऐसे खाना पकाते वक्त बर्तन गंदा भी ना हो, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि खाना पकाते वक्त अक्सर जो है बर्तन साइड से जो मसाला लगा होता है वो जल जाता है, वो बुरा भी लगता है बर्तन इस तरह से। अब हम इसको ढक के रख देंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। देखिए ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। जो इमली हमने ली थी उसको मैंने भिगो के रख दिया था और फिर गुठलियाँ हमने साइड पे कर ली थी और ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, यहाँ पे इसकी आंच बंद कर देंगे। अब हम बनाएंगे चावल। चावल तकरीबन 3 पाव है, तो चावल बनाने के लिए तकरीबन आधा कप ऑयल, इसमें हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची और बादियान का फूल, 2 लौंग। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, 4 कप चावल के तो तकरीबन मैं 7 कप पानी ऐड करूँगी, 3 चम्मच जो है चाय के चम्मच नमक और इसमें ऐड करेंगे लेमन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, ये ऐड कर देंगे इसमें। 7 कप पानी इसलिए लिया है क्योंकि चावल मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगोए हुए हैं और चावलों में भी पानी मौजूद होता है तो वो फिर बैलेंस हो जाता है और मैं इसी पानी में ये चावल बनाऊंगी, चावलों को स्टेन नहीं करूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। अब चावलों को पकने के लिए रख देंगे। चावल अब दम वाली स्टेज पे आ गए हैं, हल्की सी कसर है जो कि दम में वो एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन का मसाला।
इसके बाद हम इसमें डालेंगे फूड कलर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट का दम लगा देंगे। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें, एक एक दाना अलग है चावलों का, बहुत ही मज़े के बने हैं ये चावल। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। जज़ाकअल्लाह।